आप सोचिए कितना सुंदर राज्य था वो, ना? लोग घूमने जाते थे, अब जाएंगे कोई? महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, वहाँ के हालात संभल नहीं रहे, घर में आग लगी हुई है, दूसरों घर में जा रहे हैं, वो ऐसे ख्याति बढ़ेगी, देश तो गर्त में जा चुका है। जो राहुल जी कर रहे हैं ना, मैं कहना चाहता हूँ कोई नहीं कर सकता। कण कण में व्यापे हैं राम, मत भड़काओ दंगा, लेके श्री प्रभु का नाम। जिस सरकार में हिंदू खतरे में आ गया, समाधान तो अब 2024 में निकलने वाला है। राहुल गांधी जी पे कोई पद नहीं है, फिर भी वो गए थे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जंतर मंतर जहां पर यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च हो रहा है। कैंडल मार्च मणिपुर के लिए हो रहा है। मणिपुर लगातार 2 महीने होने जा रहे हैं, वो मणिपुर जल रहा है, उसी को लेकर यूथ कांग्रेस आज जंतर मंतर पर कैंडल मार्च कर रहा है। और एक दुख की बात है कि मणिपुर जल रहा है और वही दुख को यूथ कांग्रेस दर्शा रहा है। आइए हम यहाँ पे लोगों से जो कैंडल मार्च कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और उनकी नाराजगी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ मौजूद और भी तमाम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या। सर, क्या मकसद है कैंडल मार्च का? देखिए, कैंडल मार्च का ये मकसद है कि ये जन विरोधी सरकार को जगाने का काम किया गया है। ये कैंडल मार्च का ये मतलब है कि मोदी सरकार सुने कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार गूंगी बहरी निकम्मी हो चुकी है, उसको जगाने का काम कैंडल मार्च से किया गया है। आप बताइए, डबल इंजन की सरकार है, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, क्या अभी भी वहाँ के हालात संभल नहीं रहे? बताइए, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, घर में आग लगी हुई है, दूसरों घर में जा रहे हैं वो। अरे पहले अपने घर के आग तो बुझाओ, अमेरिका में जाकर क्या मिलेगा आपको? आप तो कहते शक्तिशाली देश हो गया भारत, तो क्यों अमेरिका में जा रहा है? देश की ख्याति बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे ख्याति बढ़ेगी? देश तो गर्त में जा चुका है। एक छोटा सा मणिपुर, एक आप सोचिए कितना सुंदर राज्य था वो, है? लोग घूमने जाते थे, अब जाएंगे कोई? है, बताइए आप, कितने बच्चे बूढ़े जवान सब लोग मर चुके हैं वहाँ पे, हजारों की तादाद से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं वहाँ पे। एक छोटा सा राज्य नहीं संभल रहा? राहुल गांधी जी क्यों गए? अब तो सांसद नहीं है, फिर भी इस देश के नागरिक के नाते आंसू पहुंचने का काम किया है, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार विवश है, आंसू पहुंचने का काम भी नहीं कर सकती वो, तो वो आंसू तो, पहुंचने गए। वो तो कह रहे राजनीतिक रोटियां सेकने गए हैं। आपको लगता है ये राजनीति रोटियां सेकने गए? मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश की जनता जान रही है कौन है? अगर राहुल जी नहीं जाएंगे तो बताइए कौन गया है, बताइए कौन है? अरे आप, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, जो राहुल जी कर रहे हैं ना, मैं कहना चाहता हूँ कोई नहीं कर सकता। 9 साल देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम किया है, बताइए। आज भुखमरी में देश कहाँ पहुँच गया? वो तो गिना रहे 9 साल बेमिसाल रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, हमेशा मन की बात करके चले जाते हैं, बताइए किसी के मन की बात सुनने का काम करना चाहिए। आप बताइए, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में क्या किया है? जनता के मन की बात सुनी है, महिलाओं की मन की बात सुनी है, युवाओं की मन की बात सुनी है, बच्चों के मन की बात सुनी है। क्यों सुनी है? क्योंकि नफरत इन्होंने फैलाई हुई है, और नफरत के बाजार में अगर मोहब्बत की दुकान किसी ने अगर खोली है तो राहुल जी ने खोली है, और वहाँ भी मणिपुर में भी मोहब्बत बांटने गए, आंसू पहुँचने गए, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार विवश थी। बीजेपी कह रही है झूठे वादों की गारंटी से बच कर रही है। आप बताइए, इन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें बोली है, हनुमान जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कभी राम जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कर दिया ना हनुमान जी। देखिए, कण कण में व्यापे हैं राम, मत भड़काओ दंगा, लेके श्री प्रभु का नाम, तो ऐसा हो रहा है इस देश में। अरे आप राम जी की बातें कर रहे हैं, आप हनुमान जी की बातें कर रहे हैं, सनातन, आप बताइए, इस देश में सब धर्म सुरक्षित थे, और ऐसी सरकार 9 सालों के अंदर आई है जिस सरकार में हिंदू खतरे में आ गया। बताइए, कांग्रेस की सरकार में तो कोई खतरे में नहीं था, कोई मजहब भी खतरे में नहीं था, अमन चैन था। क्यों मोदी सरकार में ये 9 सालों में आज हिंदू खतरे में हो रहा है? तो जनता को पता है, ये राजनीति रोटियां सेकने वाली ये बीजेपी की सरकार है, ये कुछ भी कर ले आप कुछ भी नहीं। मोमबत्ती जलाने से कम से कम इनको जगाने का काम तो किया जा सकता है, और मोमबत्ती का बैठक हो रही है पर उसका समाधान तो निकल नहीं रहा है। देखिए भैया, जाने समाधान निकल नहीं रहा मगर बैठकें होती जा रही है। देखिए, समाधान इनसे निकलेगा नहीं, समाधान तो अब 2024 में निकलने वाला है।
याद रखिए, राहुल गांधी भी जाते हैं मगर उनके काफिले को रोक दिया जाता है। क्यों सोचिए, इस देश के नागरिक होने के नाते भी नहीं जा सकते, अब तो सांसद नहीं है, है? आप संसद को म्यूट कर सकते हो मगर सड़कों को म्यूट नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी याद रखिए, ये राहुल जी हैं, ये राहुल जी। अब तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को और उनके जितने भी तमाम मंत्रियों को सपने में राहुल जी नजर आ रहे हैं, याद रखिए। सर क्या कहना है आपका? ये देखिए, आज हमने जो कैंडल मार्च निकाली है, ये देश की जनता को बताना चाहते हैं, ये देश हिटलर जो सरकार है, वो जो मणिपुर में जो हादसा हुआ, जो उनकी डेथ हुई और जो मकान जलाए गए, और मैं आज कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को, जो बताना चाहता हूँ मैं, क्या प्रधानमंत्री जी सुन पाएंगे? और वो वहाँ बेचारे वो इंसान बेटियों को उनको पुकार रहे हैं, राहुल गांधी जी जाते हैं उनका, उनको मिल दुख हर सुख में आंसू पोंछने के लिए जाते हैं, और वहाँ का जो प्रशासन राहुल गांधी जी को बैन लगा देते हैं, जाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी दंगा भड़का देंगे, और क्या दंगा फसा देंगे बताइए? भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं दंगा करते क्या? आप उधर देख लीजिए, आपने अभी जो चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने गोली चलवाई थी, हैं? क्या वो दंगा नहीं था बताइए? और मैं कहना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री को सुनवाई देनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जो है गूंगे बहरे हो चुके हैं, ये देश की जनता को सब पता है, देश की जनता वो सब समझ चुकी है, और मैं कहना चाहता हूँ देश की जनता को, इसको समझो, इनको जवाब दे दो 2024 में कि देश के ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं। अगर देश के प्रधानमंत्री होते क्या मणिपुर की सुनते, हाथरस की सुनते, यहाँ की सुनते? सुनते ना, अब कहा तो नरेंद्र मोदी है ना प्रधानमंत्री, कौन है हमारा प्रधानमंत्री जो हमारी सुन, हमारे जो जो है राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी क्यों अपमान किया उन्होंने बताइए? क्यों राहुल गांधी को कहा जा रहा है, सुनिए सवाल सुनिए, राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि राजनीति रोटियां सेकने गए हैं। कौन राहुल गांधी? अच्छा, जो कोई इनका जो दुख सुख में जाते तो रोटी सेकने बता देते हैं क्या ये? और आप लोग जो जाते दंगा कराने तो आप वही बात उठा देते कि दंगा करा रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? किसने चलवाई, किसने चलवाई? भारतीय जनता पार्टी ने चलवाई ना? नहीं, जबकि उन्हों पे कोई पद नहीं है, राहुल गांधी जी पे कोई पद नहीं है, फिर भी वो गए थे ना, राहुल गांधी फिर भी गए थे ना। जैसा कि आपने सुना कि लोगों में खासा नाराजगी और यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे कैंडल मार्च किया है पीएम मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, क्योंकि मणिपुर जल रहा और उसके लिए सरकारें कुछ नहीं बोल रही है। जो हमने आपको दिखाया दृश्य, कैंडल जलाया गया है और सरकार के खिलाफ खासा नाराजगी जाहिर की गई है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं ब्यूटी गिरी।